हेलो एवरीवन। सो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको नॉकआउट हुक पंच, राइट। ये अगर आपने सही तरीके से लैंड कर दिया तो सामने वाला ओपोनेंट आपको एक ही पंच में नॉकआउट है। जैसे कि आपने अभी लास्ट यूएफसी की फाइट में देखा, एलेक्स पेरेरा ने भी यही वाला नॉकआउट लेफ्ट हैंड का नॉकआउट पंच यूज किया था, जो कि आप यूज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने जा रहे हैं नॉकआउट लेफ्ट हुक पंच, राइट। तो वीडियो में बने रहे आगे, मैं हूं अनिकेत कुमार और आप देख रहे हैं द मार्शल योगी अकेडमी। शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपका स्टांस। आपको लेना प्रॉपर स्टांस, अपना एक स्टेप पीछे गार्ड अप, राइट। तो सबसे पहले ना जो मेन फोकस होता है ये हमारा जब स्टांस आ गया, उसके बाद पूरी बॉडी आपकी काम करेगी। क्या होता है, बहुत से लोग बस ये बस घुमा दिया, ये घुमाने में फोकस करते हैं कि इसी से हमारी पावर ज्यादा बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपको पूरी बॉडी इसमें लगानी है, तभी नॉकआउट पावर जनरेट कर सकते हैं आप, नहीं तो नहीं जनरेट कर सकते, राइट। तो सबसे पहले स्टांस ले लिया आपने, उसके बाद बॉडी टर्न होगी पूरा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी बॉडी एक साथ वर्क करेगी। तो सबसे पहले लेग रोटेट होगा। सबसे पहले आपको पहली ड्रिल क्या करनी है, टो के फिर रोटेट करना है डाउन, हिप के साथ शोल्डर पूरी लेफ्ट साइड रोटेट होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको पहले 10 reps 3 sets। जब आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, पूरी बॉडी एक साथ रोटेट होने लगेगी, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप रोटेट कर रहे हो, उसके बाद क्या करना, आपको हल्का सा हाथ आगे ले जाना है। ये जैसे ये करो ना, बॉडी टर्न करके ये हाथ आगे जाना है, ये ठीक। तो बॉडी रोटेशन और हाथ थोड़ा सा आगे, आपका जो पंच है जब रोटेशन किया आगे, सेम फिर इसके भी हम 10 reps के 3 sets करेंगे। जब आपको लगने लगे आपके एक साथ स्मूथली आ रहा है, उसके बाद आगे टर्न करेंगे फिर हम। तो यहां पे आगे फिर आप क्या करना है, इसमें आपको एल्बो को ऊपर उठाना है, रोटेट एल्बो डाउन और आपका पंच पूरा कंप्लीट लगभग। यहां से रोटेशन और ये पंच याद आ जाए, ये आपकी हुक पोजीशन होगी हुक पंच की। तो यहां से एक बार और टो से स्टार्ट होगा, पूरी बॉडी से एक साथ वर्क करेगी और ये पंच फिर वापस अपनी जगह पर सीधे। आपको हमेशा याद रखना, आपको कोई भी पंच हो वो हमेशा आपका लगने के बाद वापस जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आपके गार्ड में आना चाहिए। ये नहीं आपने हुक किया और उसके बाद डाउन, आप ओपन हो जाओगे काउंटर, आप ओपन हो जाओगे काउंटर पंचेस के लिए। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना आपको। तो बॉडी रोटेशन के साथ आगे जाके पंच और ये आपका हुक, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्या याद रखने, अगर आपको नॉकआउट करना है आपके सामने वाला पॉइंट, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जहां पर नॉकआउट होता है वो ध्यान रखना है। एक तो जो साइड जो लाइन जो होती है ना, अगर आपने इस पे हिट किया तो आपका सामने वाला अपोनेंट एकदम नॉकआउट हो जाए, या फिर ईयर के पीछे या फिर टेम्पल पे साइड से, जो सर के साइड में वाली पोजीशन है इस पे। ये तीन पॉइंट ऐसे होते हैं, अगर इन पे सही से आपका पंच लग गया तो आपका सामने वाला अपोनेंट एकदम नॉकआउट है, 100% नॉकआउट है, क्योंकि इससे आपके एकदम माइंड वर्क करना बंद कर देता और वहीं पे आप नॉकआउट हो जाते हो। तो इसलिए हमेशा इन्हीं चीजों को बचा के रखना आपको और इन्हीं चीजों पर अटैक करना है नॉकआउट के लिए, ठीक। तो अब आपको पॉइंट पता लग गया कहां पे पंच करना है, कैसे पंच करना है। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप खड़े नॉर्मल, पहले स्टांस, गार्ड अप, उसके बाद फुल बॉडी टर्न के साथ पंच आएगा आगे, ठीक। एक बार और स्टांस, गार्ड अप, रोटेट एंड पंच। मैं आपको पैर को दिखाने जा रहा हूं प्रॉपरली कैसे आपको एग्जीक्यूट करना अपना नॉकआउट हुक पंच। तो ये अगर आपका अपोनेंट है, यहाँ पे सेम तीनों टारगेट जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं पे हिट करना है। यहां से ये आएगा, यहाँ पे बॉडी टर्न और पंच। अब बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ऐसे हिट करना है या फिर ऐसे हिट करना है, दोनों ही प्रॉपर है पंच, कोई से भी प्रॉब्लम नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आप किसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाते हो। दोनों पंच सही है तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सही है एकदम, ठीक है। मुझे जो पसंद है वो ये वाला, ये हुक पंच पसंद है, तो मैं इसको करता हूं प्रॉपरली, पर ये भी एकदम सही है। तो ठीक, पूरी बॉडी के साथ आपको पावर जनरेट करनी है। अगर आप पूरी बॉडी इसमें नहीं लगाओगे तो आपकी पावर जनरेट नहीं होगी जो नॉकआउट कर पाएगी। ध्यान रखने की आपकी पूरी बॉडी एक साथ चले, ठीक है ना। फिर से एक और बार लास्ट टाइम, पूरी बॉडी टर्न और पंच, बॉडी टर्न के साथ पंच। ये आज की हमें नॉकआउट पंच की वीडियो पे
अगर आपको सेम प्रॉपर होगा आपका राइट के साथ भी, राइट के साथ भी आपको सेम इसी पोजीशन में हिट करना जिससे आप लेफ्ट के साथ हिट कर रहे हो। तो ये थी आज की प्रॉपर आपकी हुक पंच की वीडियो, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है पूरे किक बॉक्सिंग का बेसिक जो भी होता है सारे पंच किक आपको उसमें दिखाने वाला हूँ। तो इस सीरीज को जरूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।